तो क्या हाल है भैया, आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। राइट नाउ मैं भी इधर करालगुंड में हूँ, इट्स नॉर्थ कश्मीर में आती है एक जगह पे। करालगुंड से हम जा रहे हैं बारामूला। तो ये जो बाईपास आप देख रहे हैं, ये बारामूला से कुपवारा का एक बाईपास निकल रहा है, तो उसी रोड से हम जा रहे हैं। बात करें इस रोड की, ये बाईपास बहुत ही अच्छा है, इसकी रोड कंडीशन बहुत ही बेहतर है रोड कंडीशन। तो अगर हम इसको आउट ऑफ 10 में हम रेटिंग करेंगे इस बाईपास को, दैट विल बी इन कश्मीर में अगर बात करें कश्मीर की कंपैरिजन में, तो इट विल बी 8 out of 10। बहुत ही अच्छी कंडीशन है रोड की और रोड बिल्कुल खाली है। तो चल लेते हैं हम अपनी राइड पे। यहाँ से हम पहुँचेंगे बारामूला, बारामूला से हम अपनी लोकेशन की ओर वापस पटन आ जाएंगे। तो चल लेते हैं। जब भी आप चाहे आप राइड कर रहे हो चाहे ड्राइव कर रहे हो, जब भी आप किसी ओपन रोड में जा रहे हो ना, तो काइंडली अपने जो आपके मिरर है ना, बहुत साइड के मिरर्स लेफ्ट एंड राइट, उनका बहुत अच्छे से यूज़ किया करो। क्योंकि आगे से फिर समझ में नहीं आता कि पीछे वाला बंदा भी तेज चल रहा होता है, कि उस बंदे को अगर कोई ओवरटेक करेगा उसको समझ नहीं आता कि गाड़ी आई कहाँ से। तो आई सजेस्ट कि बहुत सारी मिरर अपनी जो गाड़ी की लगी हुई होती है साइड में भी, दो, एक साइड दूसरी साइड ऊपर भी लगा होता है एक मिरर, वो सारे मिरर आप यूज़ करो, उनका यूटिलाइज़ किया करो। और प्लस अगर आपको टर्न भी करना होता तो पहले ना आप इंडिकेटर यूज़ किया करो कि लेफ़्ट साइड जाना, लेफ्ट राइट से राइट इंडिकेटर। क्योंकि इंडिकेटर ये पूरी एक बॉडी लैंग्वेज होती है गाड़ी की, कि हमें क्या करना है। क्योंकि बंदा आगे पीछे से यार उसको आइडिया नहीं होता है कि यार अगला बंदा क्या करने क्या वाला है। सो बेटर टू इंडिकेट हिम वाया इंडिकेटर्स कि मैं भाई मैं लेफ्ट साइड मुड़ रहा हूँ, भाई मैं राइट साइड मुड़ रहा हूँ। एंड इफ पॉसिबल यू कैन ऑल्सो यूज़ द हैंड। एक और चीज़ मैंने नोटिस की है कि जब भी कोई बंदा ड्राइव करता होता है ना, जो लेफ़्ट साइड का मिरर होता है उसका, वो बंद ही रखते हैं क्योंकि वो ज़्यादा यूज़ नहीं करते उसका। भैया ये बहुत ही गलत बात है कि आपके जो दोनों मिरर होते हैं ना, लेफ्ट और राइट दोनों ओपन होने चाहिए। आप दोनों जो मिरर है आप उनको यूज़ किया करो, क्योंकि कभी ना बंदा लेफ्ट साइड से कोई बाइक लेके आता है या गाड़ी लेके आता है तो बंदे को समझ ही नहीं आता है। तो बेटर थिंग इज़ कि आप दोनों मिरर ओपन रखा करो, क्योंकि पहले ना खुद की सेफ्टी भी होनी चाहिए यार। और आज की ड्राइविंग की अगर हम बात करेंगे ना, बंदा ना खुद सेफ होना चाहिए यार। डोंट बिलीव कि जो आगे वाला जो गाड़ी आ रही है कि यार वो सही होगा परफेक्ट। हमेशा आप ये चीज़ माइंड में रखो कि मैं परफेक्ट हूँ, आगे जो बंदा है वो परफेक्ट नहीं है। तो उस हिसाब से ना आपको बिल्कुल अपनी भी सेफ्टी भी देखनी है, दूसरे बंदों की भी सेफ्टी देखनी है। तो भाई आप पहुँच गए हम वतरगाम। ट्रैफिक का हाल तो आप देख ही रहे हो, और ट्रैफिक में ना बहुत हर एक चीज़ आपको माइंड में रखनी होती है कि बिल्कुल गाड़ी लेफ्ट साइड लेने की कोशिश कर। हाँ भाई चलो निकल रहेंगे अपनी लेफ्ट साइड से, क्योंकि आगे ट्रक वाला है तो लेफ्ट साइड ही लेके जाएंगे, क्योंकि ट्रक वाले को राइट लेफ्ट साइड मुड़ना है। तो वहाँ पे सोमा खड़ा था तो इजीली वे इसको नहीं देंगे यार। चलो हम मार्केट से निकलते हैं अभी मार्केट से। तो अपनी बाइक का ये भी एडवांटेज है कि हम लोग ट्रैफिक में नहीं फंसते हैं, लेफ्ट राइट करके निकालते हैं अपनी गाड़ी को आगे। भैया मरने का शौक है क्या, साइड में हो जाओ। ऐसे बंदे आपको बहुत मिलेंगे रास्ते में, विदाउट ना आगे देखेंगे ना पीछे देखेंगे, डायरेक्ट रोड क्रॉस करेंगे, तो वो चीज़ भी देखनी होती है। तो भाई लोग आप देखते रहो हमारा ये वीडियो, और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करो, फॉलोअर्स बढ़ा दो, बेल आइकन को हिट करो, फेसबुक पे जाओ, यूट्यूब पे चले जाओ यार, 05 कैश राइडर को सब्सक्राइब करो। चलो एंजॉय कर लो आप हमारे साथ ये हमारी राइड। भैया पहुंच गए हम बारामूला, बारामूला ब्रिज
के ऊपर चल रहे हैं हम, तो आगे हम मार्केट में पहुँचेंगे। मार्केट से फिर अपन लोग लेफ़्ट टर्न लेंगे, तो चलते हैं बारामूला की जो बारामूला टाउन का जो मेन मार्केट है, मेन मार्केट में चलेंगे। ओ ये रोड की कंडीशन देख लो भाई, वहाँ तो रोड बिल्कुल ओके कंडीशन की, यहाँ पे देख लो यार, मेन मार्केट का हाल ऐसा ही होता है हर एक जगह पे। आई निकल गए यार, क्राउड तो बहुत ज़्यादा है। यहाँ से भी एक टर्न हम ले सकते हैं लेफ्ट साइड से, यहाँ से भी ले सकते हैं, बट हम आगे वाले जो सीधा है सीधे रोड पे आ जाएंगे फिर, क्योंकि यहाँ साइड अगर हम यहाँ से लेफ्ट लेंगे तो भी यहाँ पे बहुत क्राउड रहेगा। ओह ये देख लो भाई, ये चीज़ मैं बोल रहा था कि यार जब मार्केट में जब भी चल रहे हो ना तो हर एक चीज़ को देख लो, लेफ्ट टर्न राइट टर्न हर एक जगह पे देखना पड़ता है। ये साइड थोड़ा खाली रोड है तो आगे जाके लेफ्ट हम यहीं से लेंगे यार, वो साइड जाते तो ओवर क्राउडेड रहता है, यहाँ से शायद ठीक ही रहेगा आगे देख लें, क्योंकि यहाँ से तो कुछ ज़्यादा गाड़ियाँ भी नहीं चल रही यार, बट साइड में है थोड़ी पब्लिक है, बट दैट डजेंट मैटर। चलते हैं, थोड़ा ट्रैफिक तो है यहाँ पे एज यूजल, मार्केट में हर एक जगह पे ट्रैफिक तो होता ही होता है, क्राउड तो होता ही है, तो हैव पेशेंस। राइडिंग में सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ होती है कि पेशेंस, आपके पास जितनी पेशेंस है अपनी राइड अच्छी करोगी और आपको कोई दिक्कत भी नहीं आ जाएगी। अगर आप समझ लो कि आपको बिल्कुल भी समझ लो कि जल्दबाजी किसी भी चीज़ में करनी नहीं है, बिल्कुल हैव सेफ्टी। देखो बंदे ने प्रॉपर इंडिकेटर भी यूज़ किया यार, ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है यार, ये देख लो यार, बिल्कुल रेस्पेक्ट करते हैं हम इनके इंडिकेशंस को। तो चल लेते हैं हम लोग भी आगे, हम मेन रोड पे आ, देखो भाई देख लिया, ये चीज़ होती है कि बाइक वाले हो चाहे गाड़ी वाला हो कोई भी, आगे पीछे कहीं से भी आते हैं यार, ये चीज़ देखनी होती है यार। चलो भाई ये रोड थोड़ा सा स्पेस थोड़ा कम ही है रोड की, क्योंकि साइड में ना पार्किंग की गाड़ियाँ बहुत ज़्यादा खड़ी हुई है, तो चलो यार वो तो अपना मसला है इनका ट्रैफिक मैनेजमेंट का। अब लोग निकलते हैं यार, स्कूटी वाला तो निकल गया हमसे आगे ही, चलो इजी होता है स्कूटी को कैरी कर लेना ट्रैफिक में। ये देख लो साइड में यार, इतनी सारी गाड़ियाँ खड़ी हुई होती है यार, देख लो यार रोड कितना बड़ा है, लेकिन जब साइड में गाड़ी पार्किंग में लग जाती है ना तो रोड की बिल्कुल इसी की वजह से ना ट्रैफिक जाम होता है यार, और ये चीज़ हमें अवॉइड करनी चाहिए यार, कि मार्केट में आप किसी भी चले जाओ वहाँ पे एक प्रॉपर पार्किंग सिस्टम होना चाहिए, आप जहाँ पे गाड़ी पार्क कर सकते हो, देन आफ्टर यू कैन गो फॉर शॉपिंग या वॉट एवर जो भी होता है आपका, वो चीज़ होनी चाहिए। बस थोड़ा सा है यहाँ पे ट्रैफिक जाम, फिर आगे हम भी निकल जाएंगे, मार्केट ख़त्म करके फिर हम भी निकल जाएंगे यहाँ से निकल सकते हैं हम। चलो भैया सामने शायद एक सामने क्या था ये ट्रैक्टर वाले, इसने शायद यहाँ पे थोड़ा जाम किया, क्योंकि इसे पूरी सड़क में खड़ा कर दिया है अपना ट्रैक्टर, ये देख लो भाई बिल्कुल बिल्कुल लिटरली ना रोड के पास ही पार्किंग की है इसने यार ट्रैक्टर की यार। चलो कोई बात नहीं, वैसे भी यहाँ पे कुछ काम भी चल रहा है, अंडर कंस्ट्रक्शन काम भी चल रहा है, इसकी वजह से शायद ट्रैफिक जाम लगता होगा, बट एज़ यूजली यहाँ पे होता ही है ट्रैफिक जाम, क्योंकि रोड थोड़ा छोटे पड़े हुए हैं। देखो साइड में पूरा पड़ा हुआ है, रोड का काम शायद चल रहा है या कोई बिल्डिंग अंडर कंस्ट्रक्शन है उसका काम चल रहा है। चलो जी निकलने वाले हैं हम मार्केट से, बस समझ लो कि यार 20 या 30 मीटर्स होगा, इसके बाद ट्रैफिक बिल्कुल भी नहीं मिलेगा हम लोगों को, तो अपन लोग चल लेते हैं। चलो भाई आप लोग निकलते हैं, और आप लोग काइंडली सब्सक्राइब करो यूट्यूब चैनल पे भी 05 कैश राइडर, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो आप शेयर भी कर लो, फॉलो कर लो, और अपने फ्रेंड्स को से भी शेयर कर लो, फैमिली फ्रेंड्स जो भी होगा उनके साथ सबके साथ शेयर कर लो। तो चलो सी यू ऑन माई नेक्स्ट व्लॉग। Walking alone, the streets are empty. The only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for me. I've been flying from town to town, from London to Taiwan. I've been all around the globe, trying to protect your soul. Tonight, we are heroes tonight.
to listen, I need you to hear, and don't show any fear. I've been flying from town to town, from London to Taiwan. I've been all around the globe trying to protect your soul. We are heroes tonight, we will fly above the sky. Protect your soul.